हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है कैच अप विद नीलिमा और मैं हूँ नीलिमा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सी साड़ी स्टाइल लेकर के आई हूँ, यूनिक साड़ी स्टाइल लेकर के आई हूँ। जहाँ भी आप इसको इस तरीके से कैरी करके जाओगे ना, तो डेफ़िनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट तो मिलने ही वाले हैं। और अगर भाई लोग पूछे कि आपने कहाँ से सीखा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर उनको रेफ़र कर दीजिएगा। तो अगर आपकी नई नई शादी हुई है, तो इस तरीके से अगर आप साड़ी कैरी करोगे ना, तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। और आप चाहो तो इसको सर से भी इजीली कैरी कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको हील वगैरह जो भी आप पहनते हो, तो हील वगैरह पहन लेना, और थोड़ा पेटीकोट थोड़ा सा ऊँचा रहे ना, तो वो सही रहता है। तो यहाँ पर अगर आप साड़ी शेपर भी पहनते हो, तो वो भी पहन लेना। मेरे पास साड़ी शेपर नहीं है, तो मैंने वो नहीं लिया हुआ है। अदरवाइज़ अगर वो आप पहनते हो ना, तो बहुत ही अच्छा सा स्लिम सा लुक आता है साड़ी में, बहुत ही नीटली आपकी साड़ी आप पहन लेते हो। तो इस तरीके से मैंने ड्रैप कर ली है साड़ी, एक राउंड लिया जैसे आप लेते हो। तो आप ना जैसे नॉर्मल साड़ी को लपेटते हो ना, तो आप थोड़ी और पीछे से साड़ी को लपेटिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक मैंने राउंड ले लिया है साड़ी का, उसके बाद जो पल्ला है आप उस तरीके से पल्ला ले लोगे। तो इसमें नॉर्मल पल्ला जो आपका होता है ना, थोड़ा लंबा होता है, तो इसमें थोड़ा छोटा पल्ला लीजिएगा, तो साड़ी का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी साड़ी ना बॉर्डर वाली होनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा हैवी ना हो, तो उसमें शायद ये लुक ना आए। अदरवाइज़ आपके में बॉर्डर ज़रूर होना चाहिए ना, बॉर्डर से ही ये पूरा लुक क्रिएट होता है। तो इस तरीके से मैंने साड़ी लपेट लिया, तो पल्ले ही वाले पार्ट को लेकर के आपको ये पूरे डिज़ाइन क्रिएट करनी है। और इस तरीके से छोटे 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 प्लेट्स लेकर के आपको ये पूरा आपको शेप दे देना है। आप याद रखिए, बहुत टाइटली आप साड़ी को नहीं खींचेंगे, और बहुत भी ढीली भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का शेप देने के बाद मैंने बड़ी वाली सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर लिया है, और उसके बाद छोटी सेफ्टी पिन से मैंने इस पल्ले को साड़ी के साथ सिक्योर कर लिया। तो इस तरीके से आप सिक्योर कर लीजिए, और याद रखिए जो दोनों बॉर्डर है ना, वो फ्रंट के साइड होनी चाहिए, दोनों बॉर्डर आपके दिखने चाहिए, तभी वो अच्छा सा लुक आता है। इसलिए मैंने कहा था आपकी साड़ी ना बॉर्डर वाली होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक शेप दे दिया है, उसके बाद आपको जो सेकंड वाला पार्ट है, आपको सिंपल उसमें प्लेट्स बना लेनी है, जैसे आप साड़ी में प्लेट्स बनाते हो उस तरीके से थोड़ा सा पार्ट छोड़ करके प्लेट्स बनाइएगा। और जो फर्स्ट वाली प्लेट होती ना, उसको थोड़ा जब आप बड़ा रखोगे, तो आपकी प्लेट जो नीट एंड क्लीन आएगी, बहुत अच्छी आएगी। तो ये साड़ी आप विद इन 5 to 7 या 10 मिनट के अंदर आप पहन सकते हो, बहुत ही जल्दी आपको पहन लेते हो। इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्लेट्स बनाने की या शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो शेप अपने आप ही बन जाता है। तो यहाँ पर प्लेट वगैरह मैंने अच्छे से उसको बना लिया है, और आप इसको टक कर लीजिए। आप चाहो तो इस समय भी प्लेट्स में सेफ्टी पिन लगा सकते हो, अदरवाइज़ आपको आप ऐसे भी टक कर लेना। टक करने के बाद हमको यहाँ पे साड़ी पिन लगा लो, या आप सेफ्टी पिन लगा सकते हो, अंदर की तरफ आपको सेफ्टी पिन लगानी है। और यहाँ पे मैंने सब सारी प्लेट्स को अच्छे से बराबर करके, और जो भी आपका सामने वाली प्लेट्स है ना, उसको अच्छे से बराबर करके मैंने यहाँ पर जो सारी पिन लगाई हुई है, क्योंकि मेरे पास साड़ी पिन स्टोन वाली है, तो मैंने फ्रंट से ही लगा दी। अदरवाइज़ आपके पास ना हो ना, तो बड़ी सेफ्टी पिन ले करके आप अंदर की तरफ से अगर आप प्लेट्स में लगाओगे, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ऋषि भी बीच बीच में आता रहता है वीडियोस में, और कोई नहीं बीच बीच में आता रहता है, तो वीडियो मेरी पूरी बन नहीं पाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको मैं कट करके बनाती रहती हूँ, तो ये बीच बीच में आता रहता है। तो ठीक है, कभी कभी वो भी अच्छा लगता है, बीच बीच में आता है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब ये देखिए, पीछे से झांक रहा है वीडियो में, तो ये भी अच्छा लगता है। तो चलिए, फ़िलहाल साड़ी की आप जो प्लेट पल्लू होता है ना, तो पल्लू को छोटा छोटा छोटी प्लेट्स बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, बहुत छोटी छोटी प्लेट्स बनाइएगा ना, तभी वो नीट एंड क्लीन लुक आता है। तो यहाँ पर मैंने इस साड़ी की पल्लू की भी प्लेट्स बना ली है, और उसको आप इसको टक कर लीजिए ब्लाउज़ में। और याद रखिए, प्लेट्स जो साड़ी की पल्लू वाली होती है ना, उसको ना आगे टक करिए ना पीछे से पिन लगाइए।
आप सेंटर से लगाओगे ना तो आपकी प्लेट्स भागेंगी नहीं इधर उधर, तो बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पे प्लेट्स लगा ली हैं। और जो सामने वाला भाग है, मतलब सामने वाला ये आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, इस बॉर्डर को और ये जो पल्लू वाले की ये कमर वाला हमारा बॉर्डर है, यहाँ पे इन दोनों को लेकर के पीछे से टक कर दीजिए। तो ये वाला बॉर्डर जब आप टक करोगे ना तो बिल्कुल ही लहंगे वाला लुक आता है। आपके फ्रंट के दोनों बॉर्डर ना एकदम बराबर से आसपास रहते हैं। तो ये देखिए साड़ी से लहंगे वाला लुक हमारा क्रिएट हो गया है, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही इजी है बनाना। और मैं यहाँ पे थोड़ा तैयार होकर के आ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसी साड़ी पहनने के बाद आप नाचो कूदो कुछ भी करो, ये कहीं से खुलने नहीं वाली है, कोई भी टाइट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सुंदर लगने वाली हो। तो साड़ी आपकी महंगी हो या सस्ती हो ये मायने नहीं रखती, आपने उसको किस खूबसूरती से कैरी किया है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वाला मेरा जो स्टाइल आपको पसंद आया होगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.